सी चिल्ड्रेन, फॉर्मिंग नंबर्स, दिस इज योर हेडिंग एंड एग्जाम्पल नंबर 1 इज मेक द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फ्रॉम द डिजिट्स 7290. ओके, ये क्या है आपकी 4 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, कितनी डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं. आपको क्या करना है, इससे एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है. कैसा नंबर बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर. तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हम इन डिजिट्स को अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में. किस में करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में. एंड देखो, असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज करोगे तो आप बोलोगे मैम ये 7 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 9. ये आपका बन गया स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर. बट नहीं, ये क्या है आपका, रॉन्ग है. क्यों रॉन्ग है, क्योंकि जब भी 0 स्टार्टिंग में आता है, 0 स्टार्टिंग में आता है तो ये पूरे नंबर को 3 डिजिट्स का बना देता है, क्योंकि इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है. ठीक है, 0 को हम जब किसी नंबर के स्टार्टिंग में लगा देते हैं तो वो नंबर क्या होता है, वो नंबर कम डिजिट्स का होता है. दैट मीन्स ये 4 डिजिट का बोला था ना, अब ये 3 डिजिट्स का नंबर है, क्योंकि 0 के स्टार्टिंग में आने से इस नंबर की वैल्यू कम हो जाती है. अब इस नंबर को हम 279 ही पढ़ेंगे, 279 ही रीड करेंगे. ठीक है, इसलिए हम इसको इस तरह से 0 को नहीं लिखते, हम 0 को सेकंड प्लेस पे लिखते हैं. कहाँ लिखते हैं, सेकंड प्लेस पर. तो अब हम क्या करेंगे, हमको 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, तो हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में. तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2, फिर हम लिखेंगे 0, क्योंकि हम 0 को यहाँ पर सेकेंड नंबर पे लगाएंगे, उसके बाद 7 और उसके बाद 9. ठीक है, ये आपका क्या है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर है. ठीक, अगर बात करें हम किसकी, ग्रेटेस्ट नंबर की. किसकी बात करें, ग्रेटेस्ट नंबर की. तो ग्रेटेस्ट नंबर को हम कैसे बनाएंगे, अब देखिए ग्रेटेस्ट नंबर को हम कैसे बनाएंगे. मेक द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर फ्रॉम द डिजिट्स 5136. तो ग्रेटेस्ट नंबर में जब भी बनाना हो तो हम इनको क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे. किस में करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में. डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करते थे, डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए हम इन डिजिट्स को कैसे अरेंज कर देंगे, बड़े से छोटे के फॉर्म में. इसमें से सबसे बड़ी डिजिट, उसके बाद आफ्टर दिस ये क्या हो गया आपका, आंसर हो गया. ठीक है ना, ये क्या हो गया आपका, आंसर हो गया. ठीक है, यहाँ देखिए क्या लिखा है, 0 कैन नॉट बी रिटन एट द एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन, सो द नेक्स्ट पोजीशन इज चूजन. हम इस 0 को यहाँ नहीं लिख सकते, इसलिए हम इसके सेकंड पोजीशन पर लिखते हैं. कहाँ लिखते हैं, इसको सेकंड पोजीशन पर लिखते हैं. ठीक है, क्योंकि अगर 0 स्टार्टिंग में आ जाता है तो वो क्या करता है, वो डिजिट्स की वैल्यू को कम कर देता है. दैट मींस अब हम क्या बोलेंगे, ये 3 डिजिट का नंबर बन गया. किसका बन गया, 3 डिजिट का, और हमें चाहिए 4 डिजिट का, इसलिए हम 0 को स्टार्टिंग में नहीं लिखते. ठीक है, आप इस बात को हमेशा याद रखेंगे. ठीक, ये हो गया आपका 2 फॉर्मेट. एक हो गया आपका स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर कैसे फॉर्म करते हैं, और हम एक ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कैसे फॉर्म करते हैं. अब आप आते हैं एक्सरसाइज पर. कम टू द पेज नंबर नेक्स्ट, दैट इज 22. नाउ सी द क्वेश्चंस. यहाँ पर आप सारे क्वेश्चन बुक में सॉल्व करने वाले हो. ठीक है, सारे ही क्वेश्चन आपको करने. कैसे करने है? देख लीजिए आप. फॉर्म द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट्स. अब आप इससे क्या बनाओगे, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट. क्या लिखा है यहाँ पर, ग्रेटेस्ट. जब बात हो हमेशा ग्रेटेस्ट की तो हम वहां पर क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. किस में अरेंज करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में. हम इन डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर मिल जाएगा. नाउ सी कैसे करते हैं, ये क्या करते हैं, हम सबसे बड़ा इसमें कौन सा नंबर है, 4 डिजिट का. आपको 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है ना, हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करते हैं. इसमें सबसे बड़ा नंबर है 5, देन 4, देन 2, देन 0. ठीक है, लास्ट में आप 0 लगा दो, लास्ट में आप कितने भी 0 लगा दो, वो वैल्यू को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं. लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप 0 लगाते हो तो वो नंबर्स की वैल्यू को क्या करते हैं, कम कर देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आप ये वाला क्वेश्चन देखो. इसको भी हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है. हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, सबसे बड़ा नंबर 9, उसके बाद 5, फिर 3, देन 1. ठीक है,
सेम आपको ऐसे सारे क्वेश्चंस को करना है, ठीक। नेक्स्ट है आपका फॉर्म द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है ना, क्या लिखा है यहाँ पे स्मॉलेस्ट। जब स्मॉलेस्ट लिखा होगा तो हम किस में अरेंज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे डिजिट्स को, ठीक है। तो ये आपकी डिजिट्स दी हुई है ना, तो अब इसको अरेंज करते हैं। असेंडिंग का मतलब छोटे से बड़े के फॉर्म में, तो सबसे छोटी डिजिट 1, देन 3, देन 7, देन 9। क्लियर है इतना। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसमें से सबसे छोटा छोटा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर है आपका 2, देन 4, देन 6, देन 7, ठीक है। तो हम स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर बना लेंगे। इस तरह से आपको सारे क्वेश्चंस को अपनी बुक में सॉल्व करना है राइट नाउ। ये आपका अभी के लिए वर्क है, स्टार्ट डूइंग द वर्क।